वेलकम टू वेब दुनिया। हम लोग फिलहाल मौजूद हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में और आज हम बात करने वाले हैं वुमेंस डे पे। वुमेंस डे जो मीडिया और सोशल मीडिया पर तो काफ़ी ज़ोर शोर से मनाया जाता है हर 8 मार्च को और काफ़ी सारी योजनाएं भी महिलाओं पर चलाई जा रही हैं, लेकिन एक्चुअली लड़कियों के दिमाग में, महिलाओं के दिमाग में या आजकल के यूथ के दिमाग में क्या है वुमेंस डे, ये हम उन्हीं से बात करके जानेंगे। आइए जानते हैं। एंड वुमेंस डे आई थिंक सोशल मीडिया पे ही सिंपली ओवररेटेड है। इन रियल लाइफ एंड इन प्रैक्टिकल लाइफ वी डोंट डू इट आर मच इम्पैक्टेड। वुमेंस डे जो 8 मार्च को मनाया जाता है, उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा है कि लड़कियों को और महिलाओं को इतनी इज्जत दी जाती है और एक दिन एटलीस्ट उन लोगों के लिए मनाया जाता है। बहुत ज़रूरी भी है और लोगों को ये बताने के लिए कि उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं आप सभी को 8 मार्च के लिए हैप्पी वुमेंस डे कहना चाहता हूँ और साथ ही ये कहना चाहता हूँ मदर्स के लिए, हमारे सिस्टर्स के लिए रिस्पेक्ट करते हैं, विश करते हैं उस दिन। और हमारे क्लास और कॉलेज में भी जो गर्ल्स होती है एज अ फ्रेंड, उन्हें भी विश कर सकते हो और रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक ही दिन तो वैसे तो क्या इक्वालिटी होनी चाहिए, जैसे वुमेंस डे इतना सेलिब्रेट करते हैं, मेंस डे भी उतना ही सेलिब्रेट करना चाहिए। एक दिन वुमेन की इम्पोर्टेंस नहीं देखना चाहती, वुमेन टू बी इम्पोर्टेंट एवरी डे। आई वोंट बी सेलिब्रेटिंग इट ओनली दैट पर्टिकुलर डे। आई हैव माई इम्पोर्टेंस, माई वैल्यू एवरी डे। सिर्फ एक ही दिन किसी को इम्पोर्टेंस दो और फिर अगले दिन आप खुद ही भूल जाओ उस चीज़ को। एक दिन सेलिब्रेट ना करके उसको पूरे साल भर आप उस चीज़ को ध्यान में रखें और वुमेंस की रेस्पेक्ट करें। आई थिंक सिर्फ 8 मार्च को वुमेंस डे सेलिब्रेट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। वी हैव टू सेलिब्रेट ऑल द डे। सो इन माई ओपिनियन हर किसी को हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। वुमेंस की रिस्पेक्ट करना इज़ अ बिगेस्ट थिंग। एक ही दिन अगर हम वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उससे कोई चेंज नहीं आने वाला है। हमको हर दिन हमारी मेंटेलिटी में चेंज होना चाहिए, तभी हम वुमेन एम्पावरमेंट सही में ला सकते हैं। आजकल औरतों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है, जो नए नए रूल्स मिले हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उससे औरतों को बहुत ज़्यादा सुविधा हो रही है। गवर्नमेंट में जो लोकसभा है उधर भी वुमेंस को प्रायोरिटी मिलती है और आजकल के बहुत सारे CEOs हैं, वुमेन CEOs हैं। आजकल वुमेंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, वो इसीलिए ताकि हम लोग भी मेंस के अकॉर्डिंगली खड़े हो सकें, उनको कंपेयर कर सकें, उनको बीट कर सकें। विलेजेस में भी गर्ल्स हैं, वो भी थोड़ा आगे बढ़े, सबको चांस मिलना चाहिए। सो आई थिंक सबको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वैसे वुमेंस डे पे भी गैदरिंग होनी चाहिए। और जैसे कि अभी मैंने देखा वुमेंस डे पे लुफ्तांसा की जो फ्लाइट है वहाँ पे सारा वुमेंस क्रू रहेगा, तो वैसे हर जगह ही होना चाहिए मुझे लगता है। कुछ अच्छा हो जैसे फेस्टिवल्स में होता है, जैसे होली पार्टी होती है वैसे वुमेंस डे पार्टीज भी हों। तो बातें करने से कुछ नहीं होगा, हमें उस डायरेक्शन में काम करना होगा, तभी है ना हम कुछ चेंजेस देख सकते हैं इस डायरेक्शन में। जो आजकल हो रहा है, जो बढ़ रहा है एक्चुअली, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो जो बढ़ रहा है, उसके अगेंस्ट लोगों को जागरूक करने के लिए कि यार आपको उठना पड़ेगा, यू शुड रिस्पेक्ट वुमेन। हो सकता है वुमेन्स आउटिंग कर लें या कहीं कर लें, फीमेल आउटिंग वगैरह।